अरे वो एक शिकायत है सर, वो अभियोक्ता थे, उनकी शिकायत लेकर कि उनके घर के बाहर कुछ बदमाश लोगों ने मारपीट की है और घर के बाहर की सड़क को भी जाम करके रखा है अपनी गाड़ियों को लगाकर। तो उसी संदर्भ में सीएसपी सिविल लाइन को इसका जिम्मेदारी दिया गया था कि आज शाम तक वो पूरा इंक्वायरी करके इसमें बताएंगे और अगर अपराध संबंधी कुछ ऐसा पाया जाता है तो अपराध भी दर्ज किया जाएगा, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग रहे हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी पर्टिकुलर अगर डिपार्टमेंट से ही संबंधित है तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है उस चीज़ से। अगर लगता है यार अतीश लाल यही रहता जलाहाबाद हिंदू चौक में, उसके साथ में उसी के मोहल्ले के कुछ लड़के असामाजिक तत्व हैं जो इनके साथ जबरन के गाली गुटार करने मारपीट में उतारू हो गए हैं। वो लोग पदरवी किस्म के लोग हैं। हमारे वकील साहब ने वहाँ शिकायत भी किया थाने में, थाने वाले कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके लिए हम माननीय एसपी महोदय के समक्ष बात रखे हैं। तो चाहते हैं उसमें तुरंत पुलिस कार्रवाई करे और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करे। ये पुलिस परिवार के लड़के हैं ऐसा बता रहे हैं? हाँ, कुछ दो व्यक्ति कुछ कुछ पुलिस परिवार के लड़के हैं जो शामिल हैं। वकील से पुलिस से तो ऐसा दुस्साहस कर सकता है ना, बाकी लोग थोड़ी करेंगे बेचारे लोग। कौन है वो? अब वो बाद में जब इंक्वायरी होगा, जांच होगी तो पता चलेगा कौन लड़के हैं वो लोग। एसपी साहब ने जांच के आदेश तो दे दिए, अभी बोले हैं वो तुरंत उसको, अगर पुलिस के भी लड़के हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करो करके माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने ऐसा आदेश तो किया है। कब दर्ज करवाया मामला? किस तारीख को? 21 तारीख को दर्ज करा दिए थे सिविल लाइन। 21 दिसंबर? हाँ। सुरेश सिंह गौतम, अध्यक्ष जिला डॉक्टर संघ बिलासपुर।